साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। लोग पशु जीवन जी रहे थे, उसको मनुष्य बनाने की डोन आसाराम दे चुके हैं। अपराधियों को राहत मिले, गुनहगार छूट गए और जो निर्दोष से अभी जेल में बैठे हैं, एक 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 दुर्भाग्य है। इस देश के कानून का एक दुर्भाग्य है। एक कोई आरोप आरोप नहीं है, ये सब षड्यंत्र है दुष्ट लोगों का। इसमें किसी धर्म के शामिल है, सोनिया गांधी के शामिल है, धर्म के एक संप्रदाय भी उसमें शामिल है। ये पूरा षड्यंत्र था। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बापू को मुक्त करे। बस इतनी ही हमारी मांग है। आसाराम बापू की ओर से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को साधना का मार्ग मिला है, उपासना का मार्ग मिला है। लोग पशु जीवन जी रहे थे, उसको मनुष्य बनाने की दान पूज्य आसाराम बापू के है। और को एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट की राहत नहीं मिल रही है। 11 सालों में देखा बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, गुनहगार छूट गए और जो निर्दोष से अभी जेल में बैठे हैं, एक 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 दुर्भाग्य है। इस देश के कानून का एक दुर्भाग्य है और हमारा विरोध है। और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बापू को मुक्त करे। बस इतनी ही हमारी मांग है। एक लड़की ने आरोप लगाया, लाखों महिलाएं संत आसाराम जी बापू के समर्थन में नहीं, न्यायपालिका सुन रही है, कोई सरकार सुन रही है, एक कोई आरोप आरोप नहीं है, ये सब षड्यंत्र है दुष्ट लोगों का। इसमें किसी धर्म के शामिल है, सोनिया गांधी भी शामिल है और हमारे हिंदू संप्रदाय के, हिंदू धर्म के एक संप्रदाय भी उसमें शामिल है। ये पूरा षड्यंत्र था, किसी की बात में आने का नहीं है। आइए आने वाले दिनों में बापू मुक्त होके आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। हरे ओम। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।